गाइस यहाँ पे रेहान रेडी हो रहे हैं और उम्र का नाश्ता करके लेट गई हैं कि अभी हम थोड़ी देर बाद तैयार होंगे। अच्छा भाई, मैं अभी तब दस्तखान रखने गई थी तो ये तैयार हो रही थी और यहाँ पे शकील रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं। रेहान को भेज दूँ मैं, 7:45 तक भेजूँगी, 15 मिनट है सही है जब तक आप तैयार हो। चलें सही, चलो रेहान को भेज रही हूँ मैं, सही है तैयार होकर के। उमुल खैर थोड़ा देर से आएंगे, उमुल खैर को दोबारा ले जाना जाओगे तो चल रेहान आप जल्दी से रेडी हो जाओ, आपको पहले छोड़ के आएंगे। अभी गली से किसी बच्चों को लेके जा रहे हैं ना तो छोड़ने, तो आपको छोड़ते हुए फिर आ जाएंगे। अपना सब कुछ बैग वैग पैक करो, जल्दी से रेडी हो तैयार हो जाओ। कमरा पूरा फैला हुआ है आज तो, यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं और यहाँ पे टॉवल यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये टॉवल किसने डाला है यहाँ पे? कपड़े आपने भी नीचे फेंक दिए सारे कपड़े फैले हुए, आज वो भी इंशाल्लाह तय हो ही जाएंगे। अभी बस इनको तैयार करते हैं, सही है? आप तैयार हो जाओ मुल्क है। गाइस खांसी हो रही है आपको, अब खांसी की दवाई पियो, पिला दूँ दवाई हैं, दवाई पिला दूँ? नींद आ रही है क्या? दुपट्टा पहन के नहीं जाओ, बाबा कहेंगे दुपट्टा पहन के क्यों आ गई, उतार दो आके पहन लेना। अच्छा गाइस यहाँ पे ये जा रही हूँ, मुल्क पानी की बोतल तो ले लो, तो ये आपने लंच रखा है ना, पानी की बोतल तो ले लो। बाबा बाहर खड़े हैं, जब पानी की बोतल दे दूँ आपको, रुको मुल्क है। वाटर बोटल लेके जाइए, लाइए मैं बैग में लगा दूँ। अल्लाह हाफिज़। दरवाज़ा खोल लूँगी, दरवाज़ा खोल लूँगी, चलो जाओ नीचे जाओ, सलाम करो। भाई जान चले गए इनके, रेहान पहले चले गए आगे आगे, जाओ आराम से खोल लो, दरवाज़ा खुल जाएगा, जाओ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मिसेस फरीन डेली व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, या मैं भी ठीक हूँ। और हमारी सुबह हो गई थी, रेहान और बच्चे स्कूल जाने गए थे, मेरी तबीयत आज सही नहीं थी तो इसलिए मैं आराम कर रही थी। तो अभी थोड़ी देर पहले आराम करके उठी हूँ, तो अब माशाल्लाह फ्रेश हूँ, माशाल्लाह सही हूँ। तो बस अभी चलते हैं बच्चों को और स्कूल लेने, तो बस अभी रेडी होती हूँ जल्दी से और तैयार होकर जल्दी चलते हैं। हेलो गाइस, यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज धूप बहुत तेज़ है तो मैंने बच्चों के लिए भी ग्लासेस निकाल रही हैं, उमुल खैर का भी कैप निकाल लिया। बस चलते हैं, यहाँ से ताला भी उठाते, ताला ले लिया, पर्स ले लिया, चलो चलते हैं। देखो सबको यहाँ रख के, चलें जी यहाँ पे ले लिया इन दोनों को मैंने, गर्मी बहुत तेज है। अच्छा चलो जल्दी से ऊपर तो पहुंच जाओ, देखो भाई आवाज आवाज ना आने लगे। रयान सलाम हो, हाँ खैर चले जी घर आज। अस्सलाम वालेकुम, आराम आराम से, आराम आराम से, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी तुम्हें, अरे मुझे नहीं पता क्या सरप्राइज है, उसी ने रखा होगा। और ये उज़ैफ़ा की चाबी उज़ैफ़ा को दे दो, और मैं ना ट्यूशन छोड़ने जा रही थी इन लोगों को, मैं तो भूल ही गई, अपने आप को दिखा रही कि मैं ट्यूशन जा रही थी, मैं तो भूल ही गई है, तो ध्यान तो आ जाए फिर ट्यूशन जाना है। चलिए तो चलो 4 बज गए, सारे ट्यूशन जाओ, आप आपकी बारी, आप भी पॉटर लगाओ, कंगा करो, ट्यूशन जाओ, ये दोनों रेडी हैं। ज़फ़र कॉलर से करो पीछे से। अच्छा गाइस यहाँ पे तीनों रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे उमुल खैर, यहाँ रेहान और यहाँ ज़फ़र भी रेडी हैं। चलो वाओ, अच्छा चलो चलो इन लोगों को छोड़ते हुए फिर मैं जाऊंगी, ताला निकाल लूँ, आराम से रेहान आराम से, चलो जल्दी चलो, सलाम करते सलाम करते, वालेकुम अस्सलाम। क्या हॉल पुराना है ये हॉल, चलो पहले ऐसे करते थे ना दरवाजे ऐसे होते थे, मैं दादी ने लगवाया होगा ना तुम्हारे कमरे में, चलो जल्दी चलो। रेहान आपका ट्यूशन कहाँ है, जल्दी से जाओ,
सबके अलग अलग ट्यूशन है। चलो इनका ट्यूशन ये रहा, चलो इनका ट्यूशन आगे आ जाओ, मुझे इनका उससे भी आगे, ये सबसे छोटा उनका सबसे आगे है ना। चलो वहाँ पे इधर बस इधर इनको सामने ही इनका ट्यूशन है। अब मैं जा रही हूँ उमल खैर को छोड़ने। चलो उमल खैर, वो डोगी भी आ गई। नहीं उमल खैर खतरनाक डोगी लग रहा है। चलो अच्छा जाए, यहाँ पे मैंने बच्चों को छोड़ दिया है ट्यूशन और अब जा रही हूँ घर। और सब्जी ले ली है मैंने आज, अभी फलियाँ ले ली हैं इनको पकाते हैं। इनको कटिंग में भी टाइम लगता है बहुत, तो बस अभी चलते हैं। आ गया है घर को भी छोड़ दिया है, रैन को भी छोड़ दिया, उपचार को भी छोड़ दिया और घर हम पहुँच चुके हैं। चलिए जी बस उठाओ गलियों को, उठाओ पर्स उठाओ, वहाँ से सफाई करूँ और फिर उसके बाद ये कटिंग करूँ। बस कमरा ही थैला, बाकी यहाँ का तो मैंने कर ही किया था, बाहर का कर लिए थे। ये कमरा ही मेरा आज फैला हुआ क्योंकि तबीयत सही नहीं है, तो आज मैं हिम्मत भी नहीं हुई कोई काम करने की, तो थोड़ा बहुत बस बाहर से झाड़ू लगा ली थी। आज हिम्मत बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही तबीयत की वजह से। आजकल का मौसम भी ऐसा है और आजकल वायरस फैला हुआ, नज़ला जुकाम खांसी का, तो मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। ये सर का दर्द मैंने पहले भी उठा था, तो ये दोबारा से उठना शुरू हो गया। आते सर में होता और इतना सुन कर देता कि दिमाग को इससे ज़्यादा, फिर मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता। और बस फिलहाल अभी करते हैं सफाई वफाई करते हैं, गर्मी बहुत चली थी, बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ और बस करते हैं घर का काम जल्दी से। फिर अभी लेकर अभी आना है, टाइम इतना जल्दी गुजर जाता पता ही नहीं चलता, काम होता नहीं है और बच्चे आ जाते हैं, चले जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा जी मैं वहाँ बैठो, वहाँ बैठो। अच्छा जी गाइस, यहाँ पर रैन ट्यूशन से आ चुके हैं और यहाँ मैंने पूरा समेट लिया, कमरा साफ कर लिया, सफाई भी कर ली। जैसे उमल खैर के कपड़े रह गए, ये मुझे अलमारी में रखने हैं, बाकी मैंने अपने और शकील के बच्चे रैन के तीनों के रख लिए हैं। और इतनी देर में मैंने कर ली अपनी फलियाँ भी काट ली है, बस इसको पकाना लाइट आती। और अभी मैं जा रही थी उमल खैर को लेने, तो इतने में रैन आ चुके हैं, तो अभी मैंने रैन को बोला जाओ आप ले कर आ जाओ क्योंकि 6 बज रहे, 5 मिनट हैं छुट्टी होने वाली होगी। रैन ये भी फेंकते हुए जाना, इसको उठा लो ऊपर कोने में, ये मैं जाती तो फेंकती हुई जाती, ऊपर से कुंडा पकड़ लो बस इसका, कोई इतना भारी नहीं है, आराम से सही है। और हाथ पकड़ के लेके आना उसका, सही है। और इस तरफ से जाना डस्टबिन में फेंकते हुए जाना, ठीक है सही है। जाओ लड़ते थरते मारते हुए नहीं लाना, प्यार से लाना। जाओ लाती मैं जा ही थी पंखा वो लॉक वगैरह वापस रख दूँ, पर्स भी वापस रख दूँ अपनी जगह पे, सब चीज़ें जगह पे, कपड़े मैंने लगा दिए हैं तय करके यहाँ, बस ये कपड़े वॉश करने हैं, वॉश करेंगे मुझे वो करने हैं, इस्त्री करनी है। इसकी शर्ट सूख चुकी है उमल खैर की। और यहाँ मैंने कटिंग कर ली है सब्ज़ी को, तो ये रख के आ जाती हूँ किचन में, तो वरना मुझे ख़ुद को जाना पड़ता है यहाँ का कितने बार रखूँगी पहले। चलिए जी रखते हैं और लाइट का वेट करते हैं, लाइट आने वाली है 5 मिनट बाद, तो उसके बाद ही खाना भी रेडी करते हैं। पानी की बोतल भी भरनी है, आज पानी भी लेने जाना है, पानी के सारे गैलन खाली हैं। अभी डस्टबिन खाली किया ना तो गिर गई है पत्ती, यहाँ से पत्ती साफ करूँ, पत्ती डाल दी मेरे डस्टबिन में, तो बस ही आज गैलन खाली करना है। ये वाला गैलन भी नीचे से टूट गया है, पता नहीं कहाँ से टूटा है, देखना पड़ेगा। इसको भी साफ़ करते हैं, वेट करते हैं लाइट का। गाइस यहाँ पे उमल खैर और रैन आ चुके हैं, रैन लेके आ चुके हैं उमल खैर को, आराम से भागो नहीं, चने दिए सोयम के होंगे ना, किसी के सोयम हुआ हो तो अच्छा दिए होंगे किसी अंकल ने, लेके आ जाओ रैन ऊपर आओ, दोनों को दोगे आधे आधे हाफ हाफ, रैन गिरेंगे। आ गए उमल खैर, कहाँ हैं छोटी मम्मा, आ गई छोटी मम्मा, आई छोटी सी मम्मा कह रहा है, छोटी मम्मा आ गई, आप छोटी मम्मा हो
छोटी मम्मा आ गई, चलो कोई बात, छोटी मम्मा बड़ी मम्मा छोटी मम्मा बड़ी मम्मा जाओ मम्मा कमरे में बैठो। सही है, और यानी आप क्या कर रहे हो? चने आपने फ्रिज में रखे थे ना, पहले रखो जगह पे, रखो पहले जगह पे रखो। ये टॉवल यहाँ क्यों रखा है? चलो बेटा क्या है, कपड़े समेट है, कपड़े तय कर रहा हूँ उमल खर के बाबा बाबा रियान के रियान। तो भाई देखो, भाई काम कर रहा है आपके, मैंने आपके कपड़े तय नहीं करे थे ना, वो रख दिए थे। चलो भाई को काम करो, तो आपको मैं चने दूँ। आओ आओ, मेरा सालन चल जाएगा, जल्दी से आओ, जल्दी आइए उमल खर, मैं आपको सालन दूँगा। रियान ये क्या हो रहा है, पजामा पीट रहो उधर? हाँ ले लो आप फ्रिज में से अपने चने, मैंने देख लिया था आपने फ्रिज में चने रखे हैं, इसको भी यहाँ रखना है। चलो जाओ चने लो अपने और खा लो बैठ के। सही है, पानी नहीं, कमरे में रखा ठंडे पानी की बोतल रखी है, आप निकाल के गई थी ना वो वाली बोतल, जाओ सही है वहीं से पी लेना। मैं आ रही हूँ किचन में, जा रही हूँ मैं। गाइस यहाँ पे हमारे खाना रेडी हो रहा है, ये चूल्हा मेरा थोड़ा ख़राब है, पक पक करता है कभी कभी, सही करवाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला दे तो हमें। नहीं हमारी मतलब वो नहीं, बजट ही नहीं बैठता, क्योंकि ना पे तूले कुछ अमाउंट्स होता है जिसके अंदर हमें घर का खर्चा करना होता है, बिल गैस के बिल, बिजली के बिल वगैरह देने होते हैं, तो उसी में पूरा हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे रोटी बन रही है, यहाँ करते हैं रोटी बनाते हैं, ठीक है। छुट्टियाँ तो नहीं आ रही, यहाँ छुट्टियाँ आ रही थी ना कल, अभी मुझे लग रहा है छुट्टियाँ आ रही हैं शायद। इसको अभी झाड़ते हैं, साफ करते हैं, छुट्टियाँ आना शुरू हो गई हैं, गर्मी आई और चोटी आने लगी, चोटी चल रही है, देखेंगे देखेंगे एक बारी से चोटी में, इस वजह से झाड़ी, इसको साफ़ करके फिर पकाते हैं, गीला हो जाएगा तो फिर धोगे तो ख़राब हो जाएगा। फिलहाल इसको भी मैं यहाँ मैंने आटा निकाल लिया रोटी बनाने के लिए, जल्दी जल्दी रोटियाँ भी बनाते हैं बच्चों के लिए। गाइस यहाँ खाना आ चुका है हमारा, 15 मिनट है लाइट जाने में, जल्दी जल्दी खाना खा लो। आपसे नहीं वो होगा मुर्खा, ला मैं करूँ, छोड़ो ये वाले नींबू, अरे भाई क्या अलग अलग, पूरा नींबू थोड़ी डालना, थोड़ा सा डालना है। ये कल लाई थी लेमन, मैं उसके लिए कल जो सालन बनाया था अरवी गोश्त के लिए, तो अरवी गोश्त में भी अच्छा लगता है ये, हैं मैं इससे खाऊंगी। दूध है खाली, दूध दूध हो रहा है ये तो, पानी की तरह देखो दूध है, दूध पी लो ऐसी। मुखड़ा डाल दिया, बस थोड़ा डालना बेटा, ज़्यादा नहीं, खट्टा हो जाएगा ज़्यादा। ये लीजिए रोटी खाइए, भाई जान आप भी खा लीजिए, मैं डाल दूंगी, बस रेहान ज़्यादा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, ये लो। खट्टा होता है ना, अच्छा चलो खाओ, उमल खाए खाएंगे, मिलाई से कह रही है, मिलाई तो है नहीं, दूध बचा हुआ है ये, थोड़ा दूध दूध से खा लो, हैं रोटी गर्म हो रही है, नहीं आ रहा। अच्छा गाइस यहाँ पे खाना लग चुका है, और बस खाना खाओ जल्दी जल्दी लाइट जाने से पहले, ठीक है। मैं आपको तोड़ के देती हूँ उमल खा, बिस्मिल्लाह पढ़ना उमल खा, ठीक है। ये लीजिए रोटी, ये लीजिए, ये लीजिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह चलो चले जी खाना खाते हैं। यहाँ पे कैसी बनी है रियान, खा के बताओ, मिक्स करके, मिक्स करो पहले, पहले लीमू तो मिक्स करो इसके अंदर अच्छी तरह। अच्छा चलो खाओ जल्दी खाना खाते हैं। चलो जी खाना खिलाते हैं लोग, लाइट चली जाएगी उससे पहले खाना खा लो। अच्छा जी गाइस यहाँ पे उम्र खैर रेडी हैं, और मैं भी रेडी हूँ, और हम लोग जा रहे हैं पानी भरने, ठेकी ला रहे हैं तो बस पानी भरने ही जाते हैं, वही रेगुलर हमारे दिन जो है, एक दो दिन छोड़ के पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी भरने जाते हैं, दूर जाना पड़ता है। हालांकि हम लोगों को थोड़ा तो बच्चों को ही हो जाता है, थोड़ी हवा वगैरह खाते हैं, वैसे पूरा दिन घर में रहते हैं बच्चे, वैसे तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाते, कहीं जाना आना अम्मी के भी जाते तो करीब ही अम्मी के घर, तो इसलिए फौरन जाते हैं और आ जाते हैं। अगर जाना भी होता तो स्कूल से अम्मी से होते वहाँ से हो जाते, इतना करीब है हमारी अम्मी का घर, वहाँ स्कूल के बैक साइड पर इनके, तो जब पैदल स्कूल लेने जाती हूँ तो वहीं बैक साइड पर अम्मी के घर भी है, तो बस वैसे तो बच्चों का निकलना होता नहीं है, इसी तरह हम बच्चों को थोड़ा रात में जैसे वॉक तो थोड़ा सा घुमा के हवा खिला के ले आते हैं, है ना, तो बच्चे पीछे पड़ते हैं, बाबा हम भी चलेंगे पानी भरने, तो बस इसी वजह से वो कहते हैं कि घर आऊँगा फिर बच्चों को लेके, आपको लेके, मुझे भी लेके लास्ट में जाते हैं, क्योंकि ये जाती नहीं है मम्मा आके वगैरह, मम्मा जाएंगी तो मैं जाऊँगी, तो इसलिए ये भी, है ना, तो आप रुक जाओ मैं भी रुक जाती हूँ, बाबा को जान दो, चलिए वो, तो बस चलें फिर चलते हैं पानी भरने।
आ गए हैं पानी की बोतलें भरने के लिए उतरे हैं। जाओ जल्दी जाओ, लाइन लगी होती आपको पता है। देखिए पहले एक और रक्षा आ गया, यहाँ पे लगी हुई लाइन है, पानी भरेंगे फिर चलेंगे। उम्र खैर आती हैं यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे अपना सर्कस दिखाने लग जाती हैं। आते के साथ ही सर्कस दिखा रही हूँ, हमें दिखाना कैसे सर्कस दिखाती हो, सर्कस नहीं दिखाओ हमको, गिर जाओगे उम्र खैर, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, बैठो चलो सुकून से। नीचे पानी गिर रहा है, चल अच्छा अभी अभी से लॉक खोलो, मेरे दर्द हो रहा है। लस्सी लस्सी के लिए दही नहीं है, दही आता फिर लस्सी बनती है। चलो जी मुल्का, तू ये सो गए दरवाजे पे खड़े खड़े। हाँ मैं लाइट बंद करके गई थी, लाइट खोलो, मैंने कहा जब हम आएंगे लाइट गई भी होगी। अच्छा जी गाइस यहाँ पे अभी भी लाइट आई है 2 बजे, तो मैं जाग रही थी, आप लोग को अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा था, मैंने कहा अल्लाह हाफिज़ कर दूँ फिर मैं सोऊंगी। आपके एक अल्लाह हाफिज़ के लिए मैं जागती रहती हूँ, प्लीज़ मेरे लिए इतना सपोर्ट करा करें, लाइक हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करें, शेयर करें फैमिली से। मैं आप ही लोग ही इतनी मेहनत करी, तो प्लीज़ आप एक सरप्राइज एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना हमारे लिए, तो सब्सक्राइब के साथ मेरे चैनल को व्यूज़ मेरे चैनल को पूरा वॉच करा करें और बस, और आगे शेयर भी करें। और आज मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई, अल्लाह हाफिज़ से रहने से पहले मैं अभी आपको बताऊँ, लाइट आई है, लाइट आने के सिर क्या हुआ है कि मैं ना यहाँ पर ना बैटरी रख के अपनी इसको करंट देते हैं, हम लोग इस चार्जर को करंट देते हैं जब ये जाके चलती है। तो अभी मेरे साथ ये हुआ, बैटरी यहाँ रखी होती है हमारी और हम ये लाइट चलाते हैं, फिर जब लाइट आ जाती है तो इसको चार्जर इससे करंट दे के बैटरी को रखते हैं यहाँ पे और ना और चला देते हैं, ये भी ये फैन चलता है। तो अभी मैंने ये शकील की बैटरी ज़रा थोड़ा बेहतर काम करती है, तो मैंने क्या करा इसी बैटरी को उठा के मेरा करंट दे रही थी, करंट दे रही थी, मेरे हाथ से टूट गई बैटरी, ये देखें नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। देखें सुबह शकील का रक्षा भी इसी से चलता है, सब कुछ हमारा इसी बैटरी के ऊपर है, ये घर वाली बैटरी है, इतनी खास नहीं है। घर वाली बैटरी से फ़ैन चलाती हूँ, लाइटें भी तो मैं चलाती नहीं हूँ रात के अंदर, क्योंकि ना मोबाइल की लाइट वगैरह पर अभी हम काम चला लेते हैं, तो फिलहाल पहले चलती थी पर ये भी ख़राब हो गई थी, तो मैं सिर्फ पंखा चलाती हूँ इससे ना। और ये वाली बैटरी से शक्ल का पूरा रक्षा वक्षा सब चलता है, अच्छी बैटरी थी, और ये मैं यही मेरे हाथ से छूट गई और टूट गई है, अल्लाह करे अब ये सही हो जाए। शक्ल ने टेप वेप लगा के इसको चार्ज पे तो लगाया है, पानी वानी डाल के यहाँ से टूट गई, पूरी चटक गई है यहाँ से ना। तो बस इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा, ये सारा काम हमारा इस बैटरी पे ही है और इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। अभी शक्ल मैं ये मेरा पैर पर भी गिर सकती थी क्योंकि मैं यहाँ रखी हुई थी, दरअसल ये रेड वाली जो बैटरी है ना ये इसके नीचे रखी हुई थी, दोनों बराबर बराबर में रखी थी, जैसे गिरी ना तो इसकी ये नोक साइड में घुस गई, आड़ी गिरी ना, आड़ी गिरने के बाद ये नोक ना इसके साइड में घुसी ना, तो वो फट गई वहाँ से, बैटरी फट चुकी है, तो पानी एकदम तेज़ी से गिरने लग गया। फिर अभी शकील ने उसको साफ ऑफ करके एल पी वगैरह लगा के उसको टेप लगाया है, देखिए चल जाए अल्लाह करे चल जाए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उस महीने का एंड भी चल रहा है कि हम बैटरी ले भी नहीं सकते फिलहाल, क्या करते हैं देखें क्या होता है। अभी तो हो गया, अभी शकील बहुत गुस्सा कर रहे थे मेरे ऊपर, तुमने यूँ करा, मैंने कहा सही है ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, और अब मेरे पैर पे भी गिर सकती थी शकील, आपको मेरे पैर की फिक्र नहीं है, मेरे पैर पे भी गिर सकती थी, पैर टूट जाता वो सही था। फिलहाल अभी उन्होंने गुस्सा करके चले गए, पानी वानी डाल के इसके ऊपर पानी वानी डाल के और चार्ज पर लगा के चले गए, अब देखें सुबह कैसा चलती है, अल्लाह करे सही हो जाए। बस आज का वीडियो मेरे यहीं तक का था, और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड नंबर पर आज तक लिए नहीं, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। हमारे लिए दुआओं हमारे लिए दुआएं लाजमी करा करें कि जो हमारी परेशानियां वगैरह सब दूर हो जाएं, और बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।